हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? आज मुझे फिर से इसकी आ रही है तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा इसकी आ रही है। कुछ भी खाती हूँ ना, इसकी स्टार्ट हो जाती है एकदम से, पता नहीं क्यों। अभी फिलहाल मेरे को बहुत काम है, सो काम निपटाने हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस करता है, यहाँ पे विंडो के पास। माय गॉड, बहुत इच्छी आ रही है। और आजकल वेदर अच्छा नहीं होने की वजह से है, थोड़ा तबीयत भी लेजी बन जाता है। यहाँ पे रोज कबूतर आता है। देखा कहाँ पे बैठता है वो, हमेशा यहाँ पे आके बैठ जाता है, फिर उठ जाता है, पता नहीं क्यों आता है। आता है आता है, हर किसी को चाहिए। So guys, मैंने हेयर बैंड लगा लिया है बिकॉज इसकी वो जोरों से आ रही है। वॉशरूम का दरवाजा बंद करना हमेशा भूल जाती हूँ, पता है आपको। यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस कर रहा है। यहाँ पे अंधेरा नहीं है ना इसलिए। और गाइस आपको बता चाहती हूँ, माय गॉड, गाइज मैं हर बार तो हिचकी वीडियो नहीं डाल सकती ना, क्योंकि हर बार हिचकी नहीं आ सकती है, राइट। तो इसी वजह से मैं नकाब वाले वीडियोस, नकाब, और मैंने यहाँ पे ना कपड़े गीले थे इस वजह से वहाँ पे मतलब डाले हुए हैं, ताकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा का गिलावट हो निकल जाए इस वजह से। सो हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहती थी कि मैं हर बार तो हिचकी वाली वीडियो नहीं डाल सकती ना, क्योंकि यू नो इसकी कुछ बोलने ही नहीं देती, मैं क्या करूं। तो यू नो ओके, हर बार इसकी वाली वीडियोस नहीं डाल सकती, क्योंकि हिचकी कभी कभी आती है और आप लोग बोलते हो नहीं मैं हिचकी करने का वो करती हूँ नाटक, ऐसा नहीं होता है। मुझे जब हिचकी आती है तभी मैं वीडियो डालती हूँ, अगर नाटक करती होती तो रोज ही मैं हिचकी नाटक करके बना के डाल देती, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जब हिचकी आती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, तभी वीडियो आई मीन व्लॉग बना के डालती हूँ। सो गाइज मेरे को आज खाना भी बनाना बाकी, जो मैं खाना बनाने जाऊंगी किचन में, बट मैं सोचती हूँ पहले हिचकी को चली जाने दूं, क्योंकि हिचकी नहीं जाएगी तब तक मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मुझे आज मैं चाहती हूँ कि आई थिंक मैं राइस बनाऊं, क्योंकि कल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है। गाइज अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, बहुत जोरों शोरों से हिचकी आ रही थी, मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना लेती हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल कंफर्टेबल क्या। मैं वैसे तो नकाब की वीडियोस बनाना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि तो इस वजह से मैं हिचकी कंटिन्यू करना चाहूंगी, बिकॉज हिचकी यू नो हिचकी ऐसा है ना कि कभी कभी जाती है। और जो नकाब और स्कार्फ की वीडियोस होती है वो हम सिखा सकते हैं, मतलब कभी भी सिखा सकते हैं, और हिचकी जो है कभी कभी जाती है, और हिचकी जब आती है तभी हम वीडियो शूट कर पाते हैं ना। तो इसी वजह मैं एवरीडे वीडियो हिचकी वाली नहीं डाल सकती हूँ। आप बोलते हो हिचकी वीडियो डालो, मैडम हिचकी वीडियो डालो, ये
सॉफ्ट ओपन ऐसा होता है। सो सो गाइस, मुझे अभी खाना बनाना है, पता नहीं क्या बनाऊं। और गाइस आपको बताऊं, मैंने ना ये ग्रेप ऐसे भिगो के रखी थी, इसको मैं खाती हूँ भिगो के, बहुत अच्छी है। सो गाइस, मेरी रेसिपी जो है अभी तक दिख रही नहीं है और बहुत ज्यादा इसकी आ रही है, मेरे को खाना भी पकाना है। चलो खाना पका लेते हैं। सो गाइस, ना ये मिक्स वेजिटेबल जो है वो यूज करती हूँ खाने में, मतलब इसका कोई टेंशन नहीं होता, कटा फूटा ही आता है, इससे ना हम सीधा डो के खाने में डाल देने का। तो मैं क्या बना रही हूँ, वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए मुझे चाहिए कुकर, कुकर कुकर में मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, फोकस कर रहा है, ओके। घी डालूंगी मैं पहले, बाप रे बाप सारा हो गया। ओके ओके ओके, अभी मेरे को ये वेजिटेबल को वॉश करना है। पक रहे चिपक, पोटैटो काटने के लिए मुझे चाहिए चाकू। यार ये इसकी मेरी जान ले रही है, हिचके जाती कब से आ रही है बेटा, आपको कब से आ रही है। ओके, ये हो गया डन। अब हम डालेंगे इसमें मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल डाली कीजिए डायरेक्टली, खाने में मत डाली क्योंकि पता नहीं कट कुट करके उन्होंने डायरेक्ट भरा है या वो वॉश करके भरा है, वो किसी को पता नहीं होता है। इस वजह से वॉश करने के बाद ही, अगर फ्रोजन चीज है कटी कुटी तो भी वॉश करके ही यूज करनी चाहिए, राइट। सो मैं सबसे पहले इसको कितना पीस हो गया, मैंने इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम बनाया है इसको मैंने, तो ऐसा आता है। इसमें बहुत सारे बीन्स एंड ऑल सब कुछ आता है, मैं वॉक कर अंडे उबालने के लिए रखती हूँ। चार अंडे लिए हैं, चार अंडे उबालने के लिए रख ऐसे। ओके, ये हो गया डन। अब हम डालेंगे इसमें मिक्स थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मैं ऐसे बनाती हूँ राइस। और ये मेरे अंडे उबल रहे हैं, मैं साइड पे रख के इसको खाऊंगी। अंडे जो होते हैं वो प्रोटीन देते हैं, इसलिए अभी तो मैं थोड़ा तो नॉनवेज खाती हूँ, वेजिटेबल अभी के नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं है बट खाती हूँ कभी कभी। ओके सो गाइज, आप देख सकते हो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है वेजिटेबल राइस विथ एग्स। मैं ये हेल्दी फूड एवरीडे नहीं खाती।
गाइज आज दूसरा दिन है और मेरा फोटोशूट चालू है, आप देख सकते हो। आज कोलेब्रेशन है विद सैलॉन्स, तो आज मैं यहीं आई हूँ इनके साथ और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और अभी फोटोशूट हो रहा है। और गाइज ये मेरा फुल लुक है, सो गाइज आप देख सकते हो ये मेरा ड्रेसअप था। ओके बाय एवरीवन।